यार सना, तुम खामखा इतना परेशान हो रही हो? कौन सा, हमारी शादी को 5-6 बरस बीत गए, रिलैक्स यार। फारिस चुप कर जाओ, इस वक्त मुझे तसल्ली देने की बिल्कुल कोशिश मत करो। कितनी कितनी खुश थी मैं, लेकिन भूल गई थी कि वो और लोग होते हैं जिनकी झोली उनकी मुरादों से भरी रहती है हर वक्त। मुझे तो कुछ मांगने से भी नहीं मिलता। सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। के जी अम्मी, क्या हुआ है, क्यों इस वक्त कॉल कर रही हैं आप मुझे? अरे इतनी बदतमीजी से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मैंने तुझे आधी रात को उठा दिया। अरे जल्दी बोलें, क्या कहना है? तेरे फायदे के लिए ही तुझे फोन किया है। अच्छा बताएं। निमरा फिर हत्ते से उखड़ी उखड़ी सी है। ओफो, ये सारे अजाब मेरी जान के लिए ही क्यों है? दिल तो चाहता है कि इस निमरा का गला दबाकर ना सारा किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूं। जाहिर है बेटा, जब समझदार माँ बाप से मशवरा किए बगैर तुम काम करोगे ऐसा तो तुम सोचोगे अहमक कहीं का। इस वक्त मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता, आप निमरा पर नजर रखें, उसके साथ थोड़ा प्यार मोहब्बत से पेश आए, अपना रवैया थोड़ा नरम करें। ये रिवायती सासू वाला सलूक फिलहाल ना करें। बड़ी हमदर्दी आ रही है तुझे निमरा पे। ओफो अम्मी, समझा करें, इस वक्त सियासत से चलना बहुत जरूरी है। फिर बात करता हूँ आपसे, खुदा हाफिज। अरे मेरी बात तो सुन। बेगैरत कहीं का, बीवी आ गई होगी उसकी, तभी तो उसने मेरा फोन बंद कर दिया। सना बीबी, जितना तूने उड़ना है उड़ ले, ऐसे तेरे पर काटूंगी ना तो तू याद रखेगी। बेगैरत कहीं का।